और अपने घरों के जिन घरों में आप पले बड़े पैदा हुए, बचपन यहाँ बीता आपका, तो इनको आपको सही करना बहुत जरूरी है। ये देख रिकॉर्ड है, तुम बड़े रहे गाँव बड़े की लॉकडाउन में आई थी, तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे हम। हे हे मेरे ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपको। बैकग्राउंड देख के तो पता लग ही गया होगा आप लोगों के प्यार और हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम कोला, उनके सपोर्ट से एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने गांव पटलू गांव में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम तैला पटलू से। तैला पटलू आए हुए हैं, कुछ काम से आए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो आज तैला पटलू से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो। तो बने रहिए आज की वीडियो में, चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज आपसे कुछ नहीं बात करेंगे। और ये हमारी भाभी जी के घर में आए थे, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया हमने। अरे देखिए आजकल सुबह सुबह और शाम को लग रही है ठंड, पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है सुबह और शाम को। बाकी तो देखिए धूप बिल्कुल एकदम, मैंने खुद स्वेटर लाया था, मैं स्वेटर उतार दी। सुबह और शाम को हो रही है ठंड पहाड़ों में आजकल। और अब बने रहे, बहुत जल्द हम शादी भी दिखाएंगे गडरी गांव पोखड़ा इलाके में जो है, गडरी गांव भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, वहां की वीडियो भी लेके आने वाले हैं। फिलहाल आज हम यहां आए हैं अपने गांव में, तो अपने गांव के हमारा गांव जो है कि चारों तरफ बटा हुआ है, इसलिए जो हमारा यहां का नीचे का पार्ट था तैला पटलू बोलते हैं वहां आए हैं। और ये दिखा रहे हैं, देख सकते हो भाभी जी का घर है हमारा, और चाय वाय पी हमने। और क्या कहा बहू, भाभी जी आ चुकी है, जिले सरमाणी में कण हूँ मौसम आज का, ठंड लगन चे गर्म होने चे कान होने बढ़िया ना फर्स्ट क्लास बढ़िया। तो ये देख सकते हो, और अभी नीचे मन्नी भाई का घर भी दिखाएंगे। फिलहाल ये देख सकते हो भाभी जी का घर। अच्छा और क्या दिन मत क्या खाना बन रहा आज दिन हम बना था सब्जी रोटी अब दी है जाओ भाग बोला लुकियो। और ये देख सकते हो आजकल तो यही हो रखा है, इसकी भी वीडियो बनाएंगे एक प्रॉपर वीडियो है ना, मौसमिया हो रखी है। और ये वहाँ देख सकते हो फौजी भाई का घर है, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। और वो सामने दादी जी का घर, हरिओम दादाजी का घर, अभी वो भी नहीं है घर पे। तो ये देख सकते हो कितना सुहाना हो रखा है आजकल, पूरा आसमान देखियो पूरा ब्लू हो रखा है आसमान। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे मन्नी भाई के घर की तरफ, और फिर यहाँ से कवर होते हुए ऊपर जाएंगे घर की तरफ। जस्ट इसके नीचे ये घर है, देख सकते हो किस प्रकार से कंडीशन हो रही है पलायन के कारण। ये देख सकते हो बिल्कुल रास्ते में है, बहुत ही खराब लग रहा है। अब ये नहीं पता मुझे तैला पटली में है किसका है ये घर, ये मैं नहीं जानता, पर देख सकते हो किस हिसाब से इसकी कंडीशन हो रखी है। अगर आप देख रहे हैं अपने घर को, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी ना कभी हमें अपनी देवभूमि उत्तराखंड में तो आना ही है, तो क्यों ना आप इसको एक बार रिपेयर कर दीजिए और इसको अच्छे से बना के और फिर दिल्ली में चले जाए। साल में कम से कम एक बार आपको आना चाहिए, और अपने घरों के जिन घरों में आप पले बड़े पैदा हुए, बचपन यहाँ बीता आपका, इनको आपको सही करना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हो बहुत ही ख़राब लग रहा है, यहाँ से बिल्कुल रास्ता है, मेन रास्ता है जो कि ऊपर हमारे गांव की तरफ जाता है, और यहाँ से ये देख सकते हो पूरा रास्ता कोला गांव की तरफ जाता है। और ये घर ये भी है, इसकी कंडीशन फिलहाल अभी सही है, नहीं बढ़ा दें। अरे देख सकते हो यहाँ से नीचे जाते हम, और ये देख सकते हो किस हिसाब से कंडीशन हो रखी है घरों की। पर ये तो फिलहाल ठीक है, पर ये जो घर है अब ये नहीं जानता मैं किसका है, पर जिस हिसाब से कंडीशन हो रखी है बहुत ही मतलब बेकार लग रहा है मुझे, बुरा ना माने पर, लेकिन जो सच्चाई है हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देख सकते हो ये भी घर बुरी तरीके से बिल्कुल ख़राब कंडीशन हो रखी है, देख सकते हो आप। अब जैसे कोरोना काल में उत्तराखंड वासियों के उत्तराखंड की याद आ गई थी, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो कि आपको उत्तराखंड कभी ऐसा सिचुएशन हो कि उत्तराखंड आना पड़े। इस हिसाब से घरों में आप कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे, कम से कम आप अपने घरों में आए, इनको बना के फिर से चले जाएं, साल में दो साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार तो आपको आना चाहिए अपने घरों में रहने के लिए, पर उत्तराखंड की शुद्ध हवा एक बार आए अपने गांव शहर यार जहां हमारा जन्म हुआ है भूमि है वहां, तो एक बार आना, साल में एक बार आपके लिए 10 दिन के लिए टाइम निकाले अपने घरों में आए, इनको सही से बनाएं। कभी ऐसी विपदा दोबारा आ गई जैसे लॉकडाउन में आई थी, तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे हम। इसी पर कई लोग जागे हैं, कई लोग नहीं जागे हैं, तो जो लोग नहीं जागे हैं वो उनको मैं ये बता रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। मेरे से बड़े होंगे तो आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ जो मैं जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, पर लेकिन जो बात है मैं सच बात बता रहा हूँ कि अगर आप कभी खुदा न खासा ऐसे आएँ तो इन घरों में आप कैसे रहेंगे,
हो सकता है यहाँ सांप हो क्या हो, पूरा खुला है। नीचे का देख सकते हो दरवाजे टूट रखे हैं, और ये यहाँ देख सकते हो पूरे घरों की कंडीशन क्या हो रखी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी निवेदन है कि आप अपने घरों से एक बार फिर से इनको सही से करें, तो फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो आप अपने घरों में आएँ तो बिल्कुल आराम से एक महीना बिताएं। आप आएंगे दूसरे के घर में रहेंगे, दूसरे के घर में कब तक रहेंगे, एक दिन दो दिन, तीसरे दिन आपको खुद आपके अंदर से आत्मा बोलेगी कि हाँ यार दूसरे घर में अपना घर होता तो अपने घर में रहते आराम से, 10 दिन रहते 15 दिन रहते, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। तो ये देख सकते हो जिस प्रकार से घरों की कंडीशन हो रखी है, यही दिखा रहा हूँ क्योंकि खुद मैं, मेरा अपना घर भी था, हम बना रहे हैं उसको, एक बार बना दिया है और एक बना रहे हैं, तो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि रहना हम लोगों ने है, दोबारा ऐसा विपदा आए रहना हम लोगों ने है। नीचे देख सकते हो टॉनी भाई और सूरी भाई और पप्पू भाई का घर है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास घर बना रखे हैं इन्होंने, और यहाँ रहते भी हैं लोग। और नीचे गाय की गौशाला है, और सामने देख सकते हो पहाड़ों का नज़ारा, और रिगडर जो कि हमने वीडियो बनाई थी वो है। और इसलिए मैं तैला पटली आया था, कुछ हमारे गांव के जो यहाँ के लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे घर दिखाइए। आपके घर में दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए, अगर आप होना चाहिए, कुछ बुरा ना माने पर कुछ होना भी तो चाहिए। देख सकते हो घरों की क्या कंडीशन हो रखी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ खेले कूदे बड़े यहीं से हुए हैं, कम से कम इसको तो आपको सही करना आपका फर्ज है। मेरी बात बुरी लग रही होगी तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, पर जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देख सकते खुद ही आप देखिए कैसा लग रहा है। और सामने हरिओम हमारी दादी जी का घर है, उनका घर एकदम देखिए फर्स्ट क्लास। वो आते रहते हैं साल में एक क्या 6 बार आते हैं, अपने घरों में रहते हैं और फर्स्ट क्लास से किस प्रकार से अच्छी कंडीशन हो रखी है। रब्बी भाई का घर है, और ये देख सकते हो पूरा अच्छी पर नमस्ते नमस्ते। और ये देख सकते हो हमारे दीपू भाई जी के लड़के हैं और लकड़ी लेके आ रहे हैं। और ये देख सकते हो सामने रब्बी भाई, हमारे फौजी भाई रब्बी भाई और काकू भाई और धर्मू भाई का घर है। बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है, साल में ये भी 2 बार आते हैं, साफ़ सफाई करके एकदम मेंटेनेंस बिल्कुल बराबर कर रखा है। हरिओम हमारे जो दादी जी हैं उन्होंने भी फर्स्ट क्लास कर रखा है, पर ये कुछ ही घर हैं, 2-4 घर जिनकी कंडीशन बहुत बुरी हो रखी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज की ये वीडियो इसीलिए थी, हमारा भी दिल दुखता है, देखिए बुरा हमें भी लगता है कि हमारे गाँव में इतना ज़्यादा प्लान हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे ये है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, कार्ड है तो बढ़ रहे गाँव बढ़ेगी, और बैग ठीक ठाक पहाड़ कौन होना था नहीं तेज खबर सुना जरा कुछ अच्छा अच्छा मतलब सुबेरे थे ठंड सुबेर शाम बगत बैग दिन ठीक से जरा गांव ठीक है ना अब सफेद पहाड़ कौन बढ़ गया ना अच्छा और बस बढ़िया। ये हमारे ताऊ जी यानी कि दीपू भाई मन्नी भाई रघु भाई के पापा जी, तो एक बार उधर भी जाएंगे हरिओम दादा दादी जी के घर पे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कंडीशन हो रखी है। तो चलिए चलते हैं, हमारे पांची बोड़ी जी का घर है, और ये हमारा रब्बी भाई काकू भाई धर्मू भाई का घर है। और आगे चलते हैं, ये घर है देखो इस प्रकार के, देखो कितनी खूबसूरती है, और साफ़ सफाई एकदम बिल्कुल मेंटेनेंस कर रखी है हमारी दादा दादी जी ने, जो कि हरिओम दादा दादी जी की बात कर रहा हूँ मैं, वो साल में मैं 1-2 बार कर रहा हूँ, 6 बार आते हैं, अपने घर में रहते हैं, फर्स्ट क्लास बिल्कुल मेंटेनेंस बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रखी है। देख सकते हो साफ़ सफाई घर एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई कह नहीं सकता कि ये घरों में प्लान है या यहाँ आते नहीं हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रखी है। देख सकते हो यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, मौसमी लगी हुई है, देख सकते हो अभी बहुत जल्द आने वाले हैं, ये देख सकते हो यहाँ मौसमी, और ये है घर, देख सकते हो फर्स्ट क्लास हो रखा है, देख सकते हो आप साफ़ सफाई। बस यहाँ थोड़ा बहुत ये टूट गए हैं, अगर देख रहे हैं हरिओम दादा दादी जी, यहाँ से टूट के नीचे चला गया है, और वो भी देख सकते हो पूरा मतलब ये उजड़िया है, ये जो खेत है टूट चुका है पूरा नीचे, सुअर कह रहे हैं सुअरों ने क्या कर दिया, देखो यहाँ से वहाँ तक सुअरों ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया है। इस घर के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल मस्त है, मेरे को अच्छा लगा कि घर आते रहते हैं, अच्छा लगता है। हमारे उत्तराखंड में मैं यही चाहता हूँ कि प्लान कम हो, और अगर आप बिना रोज़गार के कर भी रहे हैं तो मैं आपसे कम से कम साल में 1 बार आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर सही से बनाने चाहिए। तो चलिए अब आगे की तरफ दिखाते हैं आपको, फिर देखिए यहाँ देखिए मन्नी भाई दीपू भाई और रघू भाई का घर, ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और यहाँ घरों की कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये घर में रहते हैं। तो आप
ये देख सकते हो सामने खेती बाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर रखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ नहीं सकते हो तो गांव में किसी से कह सकते हो कि हमारे घरों की मेंटेनेंस करके रख दें, हम आपको इतना पैसा देंगे या दिहाड़ी देंगे, जो भी है उनको दे सकते हैं, अपने घरों को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। आप खुद आ नहीं सकते किसी कारणवश, तो किसी गाँव के जिम्मेदार आदमी जो कि यहाँ ठेकेदार होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, उनको अपना ठेका दे दीजिए, हमारा घर बना दीजिए, हमारी सफाई कर दीजिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आज इस वीडियो से कम आप जागे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है, मेरी बात सच्ची लगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो मैं अशोक रावत मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। फर्स्ट वीडियो हमारी उत्तराखंड में थी, पहली वीडियो तैला पटलू से। तो मैं अशोक रावत मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल।